गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, जिसकी मैंने यहाँ नोट्स में डिफिनेशन आपको लिखवाई थी, पर एग्जांपल नोट नहीं करवाया था। डिफिनेशन के जस्ट नीचे यहाँ मैंने एग्जांपल ऐड किया है। ये एग्जांपल मैंने शो कर दिया था, कल आप लोगों को दिखाया था, पर यहाँ पर नोट कर लीजिए। रेक्टेंगुलर प्लेन, स्क्वायर प्लेन, ट्रायंगुलर प्लेन, सर्कुलर प्लेन, पेंटागोनल प्लेन, हेक्सागोनल प्लेन, ये डिफरेंट टाइप के प्लेन। और भी टाइप के प्लेन होते हैं, पर आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यहाँ इस चैप्टर में कवर करना है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, वो इन्हीं पांचों छह प्लेन में से कोई एक प्लेन हो सकता है। अब उसके बाद आप आ जाइए, कल हमने आपको एक फोटो भेजा था स्टेप फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन करके, तो उसमें मेनली इन्हीं तीन स्टेप की बात की गई थी। फर्स्ट स्टेप में क्या है, रेस्टिंग पोजिशन को फिक्स करना, मीन्स हमारा जो मेन प्लेन है, जो प्लेन है वो जैसे ये हेक्सागोनल प्लेन है, ये प्लेन हमारा रेस्टिंग पोजीशन में हम ये फिक्स करते हैं कि ये प्लेन हमारा एचपी पे है या यहाँ पे वीपी पे है। रेस्टिंग पोजीशन में सिर्फ यही चीज हम लोग फिक्स करते हैं, देखते हैं कि ये प्लेन हमारा एचपी पे है या वीपी पे है। उससे हमें क्या मालूम चलता है, अगर यही प्लेन हमारा एचपी पे है तो उसका ट्रू शेप किस पे मिलता है, हमें टॉप व्यू में मिलता है। अगर यही प्लेन हमारा कहाँ पे वीपी में, तो उसका ट्रू, अगर वीपी में है तो इसका ट्रू शेप कहाँ मिलता है, फ्रंट व्यू में मिलता है। और ये ट्रू शेप पता करने की कोशिश हम क्यों करते हैं, ट्रू शेप जिस भी व्यू में होता है पहले हम उसको ड्रा करते हैं। जैसे कि हमने ये कल बताया था, ट्रू शेप जैसे स्क्वायर कल हमने एग्जांपल में लिया था, ट्रू शेप हमारा किस में आ रहा था, टॉप व्यू में, पहले उसको बनाया, फिर उसके प्रोजेक्शन को ऊपर ले गए रेफरेंस लाइन पे, और जो प्रोजेक्ट होके हमें डिस्टेंस मिल रही वो क्या मिल गया था, इसका फ्रंट व्यू। जैसे ये स्क्वायर प्लेन था, ट्रू शेप ऊपर से देखने पे ये स्क्वायर मिल रहा था, और सामने से देखने पे फ्रंट व्यू क्या मिल रहा था, इसका एक लाइन मिल जा रहा था। तो रेस्टिंग पोजीशन क्या होता है, इसमें हम यही डिसाइड करते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, ये समझने की कोशिश करते हैं ये प्लेन हमारा एचपी पे रखा है या वीपी पे रखा है। अगर एचपी पे रखा हुआ है तो उसका जो ट्रू शेप होगा वो किस में आएगा, हमारा टॉप व्यू में आएगा, और अगर वीपी पे रखा हो तो उसका ट्रू शेप कहाँ पे आएगा, हमारा फ्रंट व्यू में आएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में हमें ये भी ध्यान देना रहेगा कि क्वेश्चन हमें फर्स्ट एंगल में ड्रा करना है या थर्ड एंगल में ड्रा करना है। अब तक आप सभी को इतना पता है अच्छे से कि अगर हमारा क्या है क्वेश्चन फर्स्ट एंगल में गिवन है, तो रेफरेंस लाइन से ऊपर क्या जाता है, हमारा फ्रंट व्यू जाता है, और रेफरेंस लाइन से नीचे क्या आता है, हमारा टॉप व्यू आता है। अगर यही क्वेश्चन हमें थर्ड एंगल में बोल देगा तो रेफरेंस लाइन से ऊपर हमारा क्या जाएगा, टॉप व्यू जाएगा, और रेफरेंस लाइन से नीचे क्या आएगा, हमारा फ्रंट व्यू आएगा। आपने ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में क्या पढ़ा है, साइड व्यू भी पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। ऐसा नहीं है कि प्लेन के क्वेश्चन में साइड व्यू नहीं ड्रा किया जा सकता है। जब बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बस ये जानते रहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में बहुत जगह हो सकता है पढ़ाया जाता हो जिनके सिलेबस में हो, तो साइड व्यू भी हम लोग ड्रा करवा सकते हैं। पर आपके सिलेबस में सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, जितने भी बुकलेट में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए कहा गया है, तो हम सिर्फ यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात करेंगे। पर आप ऐसा नहीं सोचना कि प्लेन का साइड व्यू नहीं होता, प्लेन का भी साइड व्यू होता है। जैसे ये एक स्क्वायर है हमारा, इसका टॉप व्यू क्या है, स्क्वायर आ रहा है, फ्रंट व्यू क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है, तो इसका साइड व्यू क्या है, लाइन है। पर साइड व्यू को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना यहाँ हमने इसीलिए बोला कि साइड व्यू भी होता है प्लेन का, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। पर आपको इस सिर्फ जानना है कि साइड व्यू होता है, पर कैसे ड्रा होता है, क्या मेथड होता है, वो आपकी सिलेबस में नहीं है। तो क्या करेंगे, सिर्फ हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात करेंगे। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान में रखना है, मतलब प्लेन के क्वेश्चन करने के लिए हमें तीन पॉइंट माइंड में रखना होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो प्लेन हमारा एचपी पे रखा है या वीपी पे रखा है, जिससे हम कैच करेंगे कि इसका ट्रू शेप हमें कहाँ मिलेगा, इसके फ्रंट व्यू में मिलेगा या टॉप व्यू में मिलेगा। फिर दूसरा हम ये क्या देखेंगे कि क्वेश्चन हमें फर्स्ट एंगल में ड्रा करना है या थर्ड एंगल में ड्रा करना है, और जिसमें ट्रू शेप जा रहा होगा, चाहे वो रेफरेंस लाइन से ऊपर हो चाहे रेफरेंस लाइन से नीचे हो, पहले उस व्यू को बनाते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्शन के द्वारा हम दूसरा व्यू बनाते हैं। ये कितनी बात हो गई हमने जो की बात रेस्टिंग पोजीशन की। अब उसी में जो हम तीन पॉइंट बोल रहे थे, तीसरा पॉइंट ये होता है कि हमें जो मेनली नोटिस करना होगा
कि रेस्टिंग पोजीशन फिक्स करने के बाद हम ये देखते हैं कि एचपी के साथ रिलेशन क्या दे रखा है, मींस एचपी से इंक्लिनेशन थीटा बोलते हैं, एचपी के साथ रिलेशन जो होता है उसको थीटा बोलते हैं, चाहे वो फर्स्ट एंगल का केस हो चाहे वो थर्ड एंगल का केस हो। तो हमें क्वेश्चन में थीटा गिवन भी हो सकता है डायरेक्टली, या वो डिस्टेंस के फॉर्म में, वो इसीलिए डिस्टेंस के फॉर्म में भी दे सकता है कि एच इतना एवव है, इस तरीके करके भी बोल सकता है, या डायरेक्टली थीटा भी दे सकता है। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, रेस्टिंग पोजीशन फिक्स करने के बाद सबसे पहले एचपी से जो रिलेशन है उसको हम लोग ड्रा करते हैं क्वेश्चन में। कल भी हमने एक बार आपको बोला था कि क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वीपी का रिलेशन पहले दे, एचपी का रिलेशन बाद में दे। तो आप ये नहीं करना कि पहले वीपी से रिलेशन दिया है फाई वाला, तो पहले फाई ड्रा करेंगे तब थीटा, गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना होगा, थीटा ड्रा करना होगा, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में ले जाना होगा फाई को। अब हम आते हैं क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और आपको हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे।